जब प्रणाम किए भगवान के चरण में तो सती जी ने प्रश्न किया कि आप किसको प्रणाम कर रहे हैं। बोले बाबा बोले कि ये वही हैं जिनकी कथा सुन करके मैं आया हूं। देवी जिनकी कथा हम सुने हैं वही है ये। सती जी ने कहा कि ये वो नहीं हो सकते, वो तो ईश्वर है, परब्रह्म है। वो इतना जो है कमजोर नहीं कि पत्नी के लिए वन में जो है भटके रोवे, वो तो सब कुछ जानता है। अगर ये भगवान होते तो इन्हें रोने की क्या जरूरत थी, इन्हें तो पता होना चाहिए इनकी पत्नी कहाँ है। भगवान भोले बाबा समझा रहे हैं सती जी को कि इन्हें सब मालूम है लेकिन ये लीला कर रहे हैं, इसलिए ये सब नाटक हो रहा। सती जी नहीं मानी। सती जी ने कहा, जिद किया तो भोले बाबा बोले, देवी या तो मान लो कोई कह रहा हो तो, और यदि मान नहीं रही हो तो फिर जान लो, दो ही साधन है, खुद जान लो या तो कोई समझावे तो समझ जाओ, मान जाओ उसकी बात। सती ने दूसरा रास्ता अपनाया, भगवान भोले बाबा समझा रहे हैं लेकिन सती को समझ में नहीं आया, और सती भगवान की परीक्षा लेने के लिए उसी मार्ग में जाकर के बैठ गई, जिस मार्ग से भगवान सीता का रूप धारण करके सती जी बैठी हैं जाकर। राम लक्ष्मण दोनों आए तो लखनलाल देख के मुस्कुरा रहे हैं राम जी की तरफ देखकर, और राम जी के बारे में लखनलाल ने सोचा कि ये माता जानकी का रूप धारण करी है सती जी, लेकिन प्रभु कुछ बोल नहीं रहे हैं। भगवान ने जाकर के सती जी को प्रणाम किया, दोनों भाई मिलकर प्रणाम किए और बोले कि विपिन अकेले फिरों के हेतु, आप अकेले बन में कहाँ घूम रही हो, और बोलो कि वृषकेतु भगवान भोले बाबा कहाँ गए। तब सती जी को बड़ा जो है पछतावा हुआ, रे ये तो सीता के रूप में भी मुझे समझ गए, ये अंतर्यामी है, घट घट वासी है, मैं समझ गई। भगवान तो सब कुछ जानते हैं, सबके घट घट में विराजमान है। और सती जी भोले बाबा के पास में जाती हैं तो भोले बाबा ने पूछा कि ले लिया परीक्षा, तो भोले बाबा ने झूठ बोल दिया, बोले कछ न परीक्षा लेन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई, जैसे आप प्रणाम किए थे वैसे ही कर लिया। भोले बाबा बोले, वैसे तो नहीं किया, मेरे बगल में खड़े खड़े कर लेती तब मेरे जैसा होता, तुम तो वहां गई थी प्रणाम करने के लिए। सती ने जब झूठ बोला तो भोले बाबा ने ध्यान लगा करके देखा, ध्यान लगाते ही भोले बाबा समझ गए कि सती ने झूठ बोल दिया। भोले बाबा हंसे भगवान की तरफ देख करके, और भगवान की माया को सिर नवाया भोले बाबा ने, बोले प्रभु मान गया, आपकी माया का पर्दा बड़ा जो है गहरा पर्दा है, ये जल्दी से पलटता नहीं है, जल्दी से खुलता नहीं, ये पर्दा जो है कितनों को जो है आज जो है सती को देखो ले लूंगा, माया का पर्दा। भोले बाबा मन ही मन संकल्प कर लिए कि यही तन सती भेंट मुहि नाही, अस संकल्प किन्न मनवाही। आकाशवाणी होने लग गई, फूल बरसाने लग गए, देवता बोले जय हो भगवान भोले बाबा, तुम्हारे जैसा कौन भक्त होगा कि बिना अघ तजी सती यस नारी, बिना अपराध के सती के जैसी पत्नी को जिसने त्याग दिया, कौन जो है इतना बड़ा भक्त होगा भगवान का। सती ने देखा कि ये देवता फूल बरसा रहे हैं, बोले भोले बाबा क्या हो गया, ये देवता क्यों फूल बरसा रहे हैं। भोले बाबा सती को जो है भगवान की कथा सुनाने लगे कि वर्णत पंथ विविध इतिहास, वर्णत पंथ विविध इतिहास, वर्णत पंथ विविध इतिहास, वर्णत पंथ विविध इतिहास, विश्वनाथ पहुंचे कैलाश, विश्वनाथ
जी को जो है कथाएं सुनाते सुनाते भगवान भोले बाबा सती को कैलाश तक ले गए, घर तक ले गए। इस शिक्षा, इस कथा से एक शिक्षा मिलती है कि पति पत्नी में यदि बाहर कहीं झगड़ा हो जाए मार्केट में, या कहीं बाहर घूमने गए हो, या कहीं गली में या शहर में, तो उस समय समझदारी ये कहती है कि पत्नी को फिर जैसे तैसे करके मना करके घर तक ले आओ। ऐसा नहीं, आजकल बहुत ऐसे होते हैं जहां झगड़ा हुआ धरी छोड़ के चले जाते हैं, चल तेरी गरज होगी तो आ जा है। लेकिन भोले बाबा जो है शिक्षा दे रहे हैं, देखो कथा से ज्ञान मिलता है, समझदारी मिलती है। कथा सुनोगे तो सब समझ मिलेगी। एक व्यक्ति स्टेशन में बैठे रामायण का पाठ कर रहे थे सुंदरकांड का। एक आदमी जो है पति पत्नी दोनों, पति ने हंस करके बोला इनको यहाँ स्टेशन में भी चैन नहीं है, यहाँ भी जो है माला झोली लिए आज जाप में क्या पाठ कर रहे हैं। उन्होंने जाप अपना पाठ बंद नहीं किया, करते रहे। थोड़ी देर बाद जब ट्रेन आई तो ट्रेन में वो जो है बैठ गए जो जाप कर रहे थे। और जो व्यक्ति इनको देख के हंस रहा था उसको इन्होंने देखा कि ये छटपटा रहा है, जो है चलती ट्रेन में से कूदने का तैयारी बना रहा है, फोन लगा रहा है, आप बड़ा परेशान है। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तुम्हें इतना परेशान क्यों हो? अरे बोला कि मेरी पत्नी स्टेशन में रह गई और मैं ट्रेन में चढ़ गया। बोले पागल, रामायण पढ़ा होता तो पता चलता कि पहले पत्नी को जो है चढ़ाया जाता है, बैठाया जाता है, इसके बाद जो है खुद राम जी को देखा होता। राम जी पहले जो है माता जानकी को दीवान पर बैठाते हैं, पहले उन्हें जो है रथ पर बैठाते हैं, फिर स्वयं बैठते हैं। तो रामायण पढ़ा नहीं तो अकल कहाँ खुलेगी? कथा सुनोगे तो बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि यहाँ कथा से शिक्षा मिलती है। बोलो राधे राधे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, लोग जो है कभी कभी जोश में होश खो देते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस। एक आदमी जो है ऐसी यात्रा कर रहे थे तो उनका बैग छूट गया। तो एक नौजवान युवक बैग लेकर के दौड़े दौड़े आया, दौड़े दौड़े, और आकर के उसने जो है दौड़ रहा था बैग लेकर के, तो दो चार लोग बोले कि वाह बहादुर, वाह बहादुर। तो वो एकदम जो है और दौड़ने लग गया और किसी का बैग देने के लिए आ रहा था तो उसकी प्रशंसा हो गई। तो वाह बहादुर, वाह बहादुर, उसने क्या किया, बैग लेकर के चढ़ गया ट्रेन में। अब जब ट्रेन में तो चढ़ गया, ट्रेन तेज हो गई, अब रोने लग गया। बोले क्या हुआ? बोले मैं तो बैग दे आपको सत्संग से ही मिलेगी। बोलो राधे राधे। भोले बाबा ने कथा सुनाते सुनाते ले आए पार्वती जी को कैलाश में। और कैलाश घर के अंदर भी आप कुछ भी करो, बाहर ना करो, बाहर करोगे तो हंगामा होगा, बाहर वाले देखेंगे तो बात बढ़ेगी, घर के अंदर करिए जो भी करना। भोले बाबा ने सती का त्याग किया और मन ही मन परित्याग कर दिया, वरना भगवान भोले बाबा ने मन ही मन त्याग किया। ये भी शिक्षा है, देखिए संकेत, किसी का त्याग करना है यदि तो उसको मैसेज लिखने की जरूरत नहीं कि आज के बाद फोन न करना हमको, हम भी नहीं करेंगे, तुम भी न करना, ऐसा नहीं, बस ब्लॉक कर दो और डिलीट करो और कभी जो है उसको देखो मत, घूम कर दे। मन ही मन संकल्प करो ना, ऐसा बोलने वाले कभी जो है मानते नहीं, रुकते नहीं कि हम भी ना करेंगे, तुम भी ना करना। ऐसा जो बोलेंगे वो एक दो दिन बाद फिर मैसेज करेंगे। इसलिए त्याग मुख से नहीं होता है, त्याग अंदर से होना चाहिए, अंदर से त्याग, अंदर से त्याग। भगवान भोले बाबा ने अंदर ही अंदर त्याग कर लिया। जिसको त्यागा उसको पता भी नहीं चला कि त्याग दिया। जब ध्यान लगा करके बैठ गए, अब ऐसी समाधि लगी 87,000 वर्ष के बाद, कि बीते संबत, कि बीते संबत सहस
भगवान भोले बाबा 87,000 वर्ष के बाद आंख खोलते हैं, सती जी सामने आ गई और सती जी को भगवान भोले बाबा कथा सुनाने लग गए, राम कथा। बगल में जो आसन था सामने रख दिया, तब सती को समझ में आया कि 87,000 वर्ष पहले देवता क्यों जय हो भोलेनाथ की, जय हो भोलेनाथ की क्यों ऐसे कर रहे थे। आज समझ में आ गया कि इन्होंने परित्याग कर दिया था मेरा उसके। और उसी समय दक्ष प्रजेश भये तेहि काला, सती जी के पिताजी ने यज्ञ किया और यज्ञ में सारी दुनिया को बुलाया, लेकिन भगवान भोले बाबा से बैर था इसलिए बेटी को भी नहीं बुलाया, सती को भी त्याग दिया। सती ने देखा, बोली देवता कहाँ जा रहे हैं, बोले देवता सब तुम्हारे पिता के यज्ञ में जा रहे हैं, बोले मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, बोले हाँ, अब मुझे निमंत्रण नहीं दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान भोले बाबा बोले ऐसा हो गया देवी, आपके पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और मेरे से दुश्मनी के कारण वो तुम्हें भी भूल गए हैं, तुम्हें भी नहीं बुला रहे, आपकी दुश्मनी। बोले हाँ, कब हो गई, बोले मैं एक बार पूरी सभा में जब सभा लगी थी तो वहां तुम्हारे पिताजी आए, उन्हें देख करके सब लोग उठे और मैं नहीं उठा क्योंकि मैं ध्यान में था, भगवान का नाम जप रहा था, ये बात तुम्हारे पिताजी को बहुत बुरी लगी और उसी सभा में उन्होंने मुझे गालियां दी और मेरा अपमान किया और उन्होंने जो है श्राप दे दिया। अच्छा, बोले दमाल ससुर में झगड़ा हो गया मुझे पता ही नहीं चला, बोले हाँ इसी कारण आपको भी नहीं बुलाया। तो सती जी ने कहा कि इतनी छोटी सी बात है, चलो मेरे साथ और मैं जो है दोनों का समझौता करा देता हूं, पिताजी मेरी बात मान जाएंगे, मैं पिताजी को बोलूंगी, पिताजी आपके अपराध नष्ट सब माफ कर देंगे जो भी आपसे गलती हुई। सती जी की बात सुनकर भोले बाबा बोले देवी लेकिन मैंने तो गलती किया ही नहीं क्योंकि मैं तो भगवान के भजन में बैठा हुआ था, अब मुझे पता ही नहीं चला कब तुम्हारे पिताजी आए, जब पता चलता तब तो मैं उठता उन्हें प्रणाम करने के लिए। सती जी ने कहा जो भी हुआ जो भी है, लेकिन अब चलो मेरे साथ, मैं पिताजी को समझा दूंगी और सब जो है बात बन जाएगी। भोले बाबा बोले मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें भी कहता हूं कि तुम भी ना जाओ। भगवान भोले बाबा ने कहा कि यद्यपि माता पिता गुरु और प्रभु और मित्र ये तीन चार जगह ऐसी हैं कि यहां बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, लेकिन यदि जानबूझ के ना बुलाया हो तब ना जाना चाहिए। यदि जल्दीबाजी में और ज्यादा व्यस्तता के कारण बुलाने के लिए निमंत्रण देने को भूल गए हो तब चले जाना चाहिए, लेकिन यदि जानबूझ के निमंत्रण ना दिया हो तब ना जाना चाहिए। सती जी बोली मैं तो नहीं रुकूंगी, मैं तो जाऊंगी चाहे कुछ भी हो। भोले बाबा ने देखा कि जिद कर रही हैं तो नंदी आदि गणों के साथ में सती जी को भेज दिया और सती जी वहां जाकर के जब देखती है कि यहाँ पर जो है सबका भाग है निकला हुआ, सबका हिस्सा निकला है और मेरे पति का इतना अपमान हुआ कि उनके लिए कोई जगह नहीं है।
सभा में खड़ी होकर के सती जी ने कहा, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, अब कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब का हो, अब भली भांत पछता पिता हो। हमारे पिता भी भली भांत पछताएंगे बहुत जल्दी, ये समय आएगा जब इन्हें पछतावा होगा। और इतना कह करके सती जी ने अपने आप को अग्नि कुंड वहां पर जो था अपने आप जो है उसमें अग्नि प्रकट किया सती जी ने, और अपने आप अस कही हो गए अग्नि तनु जारा, अब भयम सकल मख हाहाकार, अग्नि कुंड प्रज्वलित कर दिया और उसमें जो है सती जी ने अपने आप को जला दिया। जब सती जी जल गई तो हाहाकार मच गया, सभा में जितने लोग बैठे थे सब के सब जो है सती जी को जलता हुआ देख करके भयभीत हो गए। शिव जी के जो गण थे वो दौड़ पड़े हैं, कोई मार पीट करने लग गए। तब अग्नि यज्ञ कुंड में से यज्ञ के जो आचार्य थे उन्होंने यज्ञ के रक्षक प्रकट कर दिए और वहां से शिव गणों को धक्का मार करके निकाल दिया। नारद जी जाकर के समाचार बताए, नारद समाचार सब पाए। नारद जी ने समाचार बताया भोले बाबा को, तो भोले बाबा ने अपनी एक जटा उखाड़ करके और जैसे भोले बाबा ने जटा पटकी तो उसमें से वीरभद्र नामक भगवान भोले बाबा का दूत प्रकट हो गया था। और वीरभद्र ने कहा, भोले बाबा आदेश करें मेरे लिए, क्या आदेश है? भगवान भोले बाबा ने कहा, जाओ दक्ष की पूरी यज्ञ को तहस नहस कर दो, अब किसी को छोड़ना मत, सबको दंड देना। वीरभद्र चिघाड़ लगाते हुए आज क्षण भर में जो है पूरे यज्ञशाला को घेर लिया। जो समझदार थे भाग गए थे पहले, सती जी का अपमान हो रहा था तभी, और जो यज्ञशाला के अंदर मिले, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का मुंह तोड़ दिया, किसी का दांत तोड़ दिया, किसी की आंख फोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, सबको दंड दिया। और दक्ष का मुंह उखाड़ करके अग्नि कुंड में डाल दिया, दक्षा ऐसा सब कुछ खत्म हो गया, क्षण भर में नष्ट, तहस नहस कर दिया भोले बाबा के। अब शिव जी के पास में देवता गए, बोले बचाओ रक्षा करो, यज्ञ को पूरा करवाओ। भगवान भोले बाबा परम दयालु हैं, भोले बाबा प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के फिर आते हैं। सबको भोले बाबा जो जैसे किसी का दांत टूटा था दांत लगा दिया, आंख फूटी थी आंख लगा दिया, दाढ़ी उखाड़ दिए थे भृगु जी की तो उनको थोड़ा सा दाढ़ी दे दिया, और इस तरह दक्ष को बकरे का सिर लगा दिया। ऐसे भोले बाबा कृपालु भगवान भोले बाबा बोले हर हर, बड़े दयालु हैं भोले बाबा। वही सती मरत हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म श्रीपद अनुरागा, वही जो है हिमालय के यहाँ जन्म लेती है और हिमालय की बेटी पार्वती बन करके अवतरित होती है। शिव जी की बहुत तपस्या करती हैं और शिव जी का इनके साथ भी विवाह होता है। ये कथा यहाँ पर जो है सती का शिव जी का ये चरित्र आप लोगों को सुनाया मैंने। और वही भोले बाबा की सुंदर जो है पार्वती जी हैं, और आप लोगों ने सुना होगा शिव जी तो भांग के नशे में मस्त रहने वाले देवता हैं, भंग के नशे में मगन रहने वाले भगवान भोले बाबा। आइए थोड़ा सा जो है भजन का आनंद लेते हुए फिर आगे कथा को बढ़ाएंगे। ओम नमः पार्वती पते हर 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 बम भोला बम भोला बम भोला बम बम भोला बम भोला बम 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 तो भोटत हारी तेरी ये कितना
Yeah.
भगवान भोले बाबा की कथा बताने के बाद में आगे स्वयंभू मनु जी की जो दो पुत्र थे उनकी कथा बताते हैं। स्वयंभू मनु और शतरूपा जी के दो पुत्र उनकी कथा। प्रियं प्रतोत्तान पादौ शतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतस्थितौ। जो उत्तानपाद थे बड़े पुत्र स्वयंभू मनु के, इनके दो विवाह हुए थे। एक पत्नी का नाम था सुनीति और एक पत्नी का नाम था सुरजि। जो बड़ों का सम्मान करती थी, सत्संग में जाती थी, अब किसी से झगड़ा नहीं करती थी, वो थी सुनीति। और सुनीति के यहाँ ध्रुव की उत्पत्ति हुई थी। सुनीति के बेटे का नाम था ध्रुव। जिन माताओं के अंदर ये लक्षण हो, किसी से झगड़ा न करना, किसी को गाली न देना, सबके लिए अच्छा व्यवहार करना, सत्संग में जाना, ठाकुर की सेवा करना, पूजा करना, ऐसे लक्षण जिनके अंदर होंगे उनके यहाँ ध्रुव जैसा बालक होगा, जो ईश्वर का दर्शन उसे मिलेगा और पूरे वंश को तार देगा, पूरे वंश का उद्धार कर देगा। बोलो राधे राधे। एक दिन सुनीति अपने बेटे को सत्संग में लेकर के रोज जाती थी। महात्माओं ने एक दिन इनके ऊपर नजर पड़ी तो महात्माओं ने कहा कि बेटी तुम रोज कथा में आती हो, कुछ मांगो, कुछ चाहिए तो बोलो, तुम्हें कोई तकलीफ हो तो। सुनीति ने कहा कि महाराज सब कुछ है, बस एक कृपा कर दो यदि हो सके तो। क्या? बोले मेरी बहन जो सुरुचि है उसको कोई संतान नहीं है, एक संतान उसे भी हो जाए तो कृपा हो जाएगी। महात्माओं ने कहा कि जिस की वजह से तुम्हें तुम्हारे पति ने घर से बाहर निकाला है उसके लिए तुम पुत्र की कामना करती हो। काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, माध्यम भले बन जाए कोई, लेकिन हर कोई अपने कर्म का फल भोगता है। जो जैसा कर्म करेगा उसको फल मिलता है। आपकी गाड़ी में कोई बैठा हो, एक्सीडेंट आपसे हो जाए, आप चला रहे हो, सामने वाला आपको जीवन भर दोष देगा तेरे वजह से मेरा पैर टूटा है, जीवन भर। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है कि पैर तो उसके अपने कर्मों का फल है उसका मिला, जो पैर टूट गया उसका। तो सब अपने कर्म का फल भोगते हैं। सुनीति ने कहा कि मैं भी अपने कर्मों का फल भोग रही हूँ, मेरी बहन का इसमें कोई दोष नहीं। सुरुचि बहुत सुंदर थी तो सुरुचि को देख करके उत्तानपाद ने दूसरा विवाह कर लिया था सुरुचि के साथ। जब से सुरुचि को विवाह किया तो सुनीति जो पहली पत्नी थी उनका मान सम्मान कम हो गया, उनको घर से बाहर कर दिया राजमहल से, और एक छोटा सा घर बना के उन्हें अलग से दे दिया, वहीं रहते थे अपने बेटे के साथ। इस तरह सुनीति ने जब कामना करी, महात्माओं से मांगा कि मेरी बहन को बेटा हो जाए, तो उनके प्रार्थना करने पर बेटा हुआ उन्हें, सुरुचि को। बेटे का नाम था उत्तम। उत्तम का मतलब होता है, तम मतलब अंधकार,
उत्तम, और उत्तम मतलब कि श्रेष्ठ उच्च कोटि का अंधकार, इतना गहरा अंधेरा कि जहां जो है सुई तक न दिखे, जहां जो है कुछ भी न दिखाई दे, एकदम घनघोर अंधेरा। और ध्रुव का मतलब होता है दृढ़, एकदम फुल कॉन्फिडेंस, एकदम पक्का ध्रुव। तो एक दिन ध्रुव जी ने अपनी माँ से कहा कि मेरे पिता कौन है, क्योंकि उत्तम अपने पिता की गोदी में बैठे हैं, उत्तान पाद की गोदी में। एकदा सुरुचि पुत्रम अंकमारोप्य लालयन उत्तमम नारुरुक्षन्तम ध्रुवम राजाभ्यनन्दत। राजा की गोद में छोटा बेटा बैठा है उत्तम, और ध्रुव जी ने देखा तो जब कोई बच्चा कुछ करता है तो बाकी बच्चे जो है उसके सखा जो होते हैं वो भी दौड़ते हैं वही काम करने के लिए। ध्रुव जी ने पूछा, मेरी माँ मेरे पिताजी कौन है मुझे बताओ। तो माँ ने मना किया, लेकिन ध्रुव जी ने जिद किया, तो फिर माँ ने बताया कि यही तुम्हारे पिता हैं जो गोद जो सिंहासन में बैठे हुए, और तुम्हारे छोटे भाई को गोद में बैठाए हुए, तुम्हारा छोटा भाई है उत्तम। ध्रुव जी दौड़े दौड़े गए और अपने पिता की गोदी में बैठ गए। सुरुचि वहीं पर थी, सुरुचि ने ध्रुव जी को उठा करके नीचे फेंक दिया। ध्रुव जी ने प्रश्न किया कि क्यों, ये मेरे पिता नहीं है। सुरुचि ने कहा कि ये पिता तो है लेकिन मैं माँ नहीं हूं तुम्हारी। इस गोदी में बैठने के लिए जितना इनका पिता होना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है कि मैं तुम्हारी माँ बनूं। क्यों, मेरे माँ में क्या कमी है। सुरुचि ने कहा कि बालोस बालोस वतनात्मान अन्य स्त्री गर्भ संभृतम तपसा राध्य पुरुषम तस्वानुग्रहेण में। उसने कहा, जाओ तुम नारायण की तपस्या करना, और नारायण की तपस्या करने के बाद में उनसे वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दे दो, यदि तुम इस गोदी में बैठना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा। तुम बालक हो, मैं तुम्हें ज्यादा उपदेश नहीं देना चाहती, तुम्हें सहज तरीका मैंने बता दिया, एक यही तरीका है तुम्हारे लायक। ध्रुव जी माँ के पास में गए, रोने लग गए। माँ ने कहा कि बेटा, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, उसने तुम्हें भगवान का भजन करने के लिए, तपस्या करने के लिए कहा तो अच्छा किया उसने तुम्हारे लिए। कोई आपको भजन करने के लिए प्रेरित करे कि ईश्वर की, कान्हा की भजन करो, कृष्ण की भजन करो, उनका नाम जपो, तो आप उसको अपना शत्रु न समझे, आप ये समझो कि वो भगवान ही उस रूप में आकर के आपको प्रेरित कर रहे हैं, आपका कल्याण भगवान चाहते हैं, इसीलिए कोई आपको अच्छा काम करने के लिए बोल रहा है। यदि कोई आपको बोले कि भागवत कथा में से जुड़िए, आप भागवत प्रचार समिति के सदस्य बने, आप इसमें सहयोग करें, यदि कोई आपको ऐसा कहता है तो आप ये समझो कि आज आपके जीवन में एक सुनहरा अवसर ठाकुर जी किसी के रूप में आकर के दे रहे हैं, और आपके जीवन में जरूर कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है, तभी आपको इतना अच्छा कार्य करने के लिए सामने से कहा जा रहा है। आप उस पर तुरंत जो है, तुरंत बिना विचार किए आप एकदम उसी समय जो है जुड़ जाए, आप कुछ ना सोचे, क्योंकि अच्छे काम करने के लिए सोचना नहीं चाहिए। राजा दशरथ ने सोचा कि राम को राजा बना दूं, तो दौड़े दौड़े दशरथ जी के पास गए। राजा दशरथ जी दौड़े दौड़े गुरु जी के पास में गए, वशिष्ठ जी के पास, राम को राजा बनाने के लिए। और देखिए, आपको और एक बात बताएं, गुरु वशिष्ठ जी बैठे थे और उदास थे, क्योंकि गुरु वशिष्ठ अंतर्यामी थे, वो जानते थे कि कल जो है अयोध्या का जो युवराज है वो वन को चला जाएगा 14 वर्ष के लिए, ये जानते थे गुरु जी। गुरु जी उदास बैठे इसी विषय पे विचार कर रहे थे कि राम कल वनवास चला जाएगा, उदास थे गुरु जी। और उसी समय दशरथ जी पहुंचे और बोले कि राम को राजा बनाना है।
तो दशरथ जी खुश हो गए, क्योंकि दशरथ जी को लगा कि राम तो वनवास कर जाने वाले हैं, वनवास का तारीख इनका कल का है, यदि दशरथ जी आज ही राम को राजा बना देंगे तो राम राज छोड़ करके वनवास नहीं जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो दशरथ जी खुश हो गए, बोले गुरु जी खुश हुए और बोले कि जो है बिल्कुल बना दो, देरी ना करो। दशरथ जी ने कहा गुरु जी मुहूर्त निकाल दीजिए। जब मुहूर्त का नाम लिया तब समझ गए गुरु जी कि अब जो है राम राजा, क्योंकि अच्छे काम में जो मुहूर्त निकालने चले जाएं, अच्छे काम में जो विचार करने लग जाएं कि नहीं अभी समय देखना है, फिर विचार करना, बात कर ले थोड़ा घर में परिवार में, इसके बाद फिर का फिर ही रह जाता है, फिर जो है लौट करके आता नहीं। दशरथ जी ने तो तुरंत जब ये बात कही कि मुहूर्त, तो गुरु जी ने डांट लगाया दशरथ जी को, सचेत किया, सावधान किया। यद्यपि गुरु जी जानते थे कि होनी को कोई टाल नहीं सकता है, लेकिन प्रयास भी ना करें ये तो जो है नादानी है, प्रयास तो करना चाहिए। गुरु जी ने तुरंत कहा कि बेद विलंबन करी अल्प साजिय समूई समाज, सुदिन सुमंगल तबहिं जब राम होई जुबराज। बोले विलंब ना करो, तुरंत अभी इसी वक्त राम को राजा बना दो, क्योंकि वही घड़ी सर्वश्रेष्ठ होगी, जिस घड़ी में राम राजा बनेंगे वही मुहूर्त बन जाएगा, वही घड़ी मुहूर्त मानी जाएगी, उसी घड़ी में लोग अच्छे अच्छे काम करेंगे आने वाले समय में, राम को अभी राजा बनाओ, तुरंत बनाओ। तो गुरु जी की बात सुन करके दशरथ जी ने कहा गुरु जी कल कर ले। गुरु जी ने कहा कि हो गया अब जो है, क्योंकि कल तो कभी आया ही नहीं है, अब मन ही मन विचार किए जब राम राजा नहीं बने, और राजा दशरथ जैसा चक्रवर्ती अपने बेटे को जो है राजा नहीं बना पाया, एक दिन की बात टाल दिया, तो आप ये ना सोचें कि हम जो है अभी तो चार दिन का था बाकी है पांच दिन, फिर कर लेंगे फिर कर लेंगे, ये ना सोचें, क्योंकि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी, तुरंत करें और अविलंब करें, बिना जो है विलंब किए हुए अच्छा काम मन में आए तो काल करे सो आज करे, आज करे सो आप, पल में परलय होएगी बहुर करे वो कब, पल भर में परलय हो जाती है, कम से कम एक अच्छा काम जो है जीवन में यदि विचार आए जागे तो कर लो उसको, विलंब ना करें उसमें। बोलो राधे राधे, बताना मेरा काम है बाकी आगे आपको। तो ध्रुव जी को माँ समझा रही है कि आप जो है जाओ भजन करने के लिए, भजन करने को कह दिया, अच्छा काम करने को कोई बोले तो ये ना सोचें कि वो हमारा दुश्मन है, शत्रु नहीं है वो, मित्र है वो, भजन करने के लिए चले दिए। लेकिन गुरु मंत्र जब तक ना ले, जब तक गुरु मंत्र ना ले, जब तक गुरु मुख ना हो, तब तक आप चाहे जितने अच्छे काम करो, चाहे कथा सुनो, चाहे जो है पूजा करने जाओ, चाहे तीर्थ में जाओ, चाहे कन्यादान करो, कुछ भी कर लो आप, जब तक आप गुरु मंत्र नहीं लिए हैं आपको पूरा फल ना मिलेगा, मिलेगा लेकिन थोड़ा मिलेगा। और जब आप गुरु मंत्र ले लेते हो तो आपको सारे अच्छे कर्मों का फल मिलने लग जाता है, पुण्य आपके जीवन में इकट्ठा होने लग जाता है, और जैसे जैसे पुण्य आपके जीवन में इकट्ठा होता जाएगा तो पाप कम होते जाएंगे, जीवन में खुशियां, जीवन में आनंद, जीवन में जो है प्रसन्नताएं धीरे धीरे आपके आने लग जाएंगी। कब? जब आप गुरुमुख होकर के और अच्छे काम करते। बोलो राधे राधे। कि गुरु बिन भवानिधि तराई न कोई, 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 जो ब्रह्मा बिरंच किन होई।
गुरु के भव सागर से कोई तर नहीं सकता है और बिना गुरुमुख हुए आप जो है जीवन में पुण्य अर्जित नहीं कर सकते हो। बोले श्री गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की। मेरे सतगुरु प्यारे का दरबार बड़ा सोना है, सतगुरु प्यारे का दरबार बड़ा सोना है, सतगुरु प्यारे का दरबार बड़ा सोना है, सतगुरु प्यारे मिलते हैं। दुनिया के मुझे दीपक इस दर से जलते हैं, दुनिया के मुझे दीपक इस दर पे जलते हैं। ये तन मन रंग देगा, ये तन मन रंग देगा, जब तक गुरु मंत्र न लेते तो भगवान का दर्शन नहीं होता। गुरु मंत्र ले लिया नारद जी के द्वारा, नारद जी ने मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने वाले को ठाकुर जी का दर्शन होता है।
48 लाख जाप कर लो इसका, 48 लाख, 48 लाख बार आप बोल दो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 48 लाख बार। और इतने में ही ठाकुर जी का दर्शन आपको हो जाएगा। बोलो राधे राधे। एक जगह में कथा सुना रहा था, एक माता जी उठ के खड़ी हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? बोले अभी से शुरुआत करते। हमने कहा लेकिन शर्त क्या है वो सुन लो। बोली क्या शर्त है? हमने कहा जब तक 48 लाख पूरा ना हो जाए तो उठना नहीं है, खाना नहीं है, पीना नहीं है, सोना नहीं है। 48 लाख पूरा जाप करने के बाद ही बाकी काम करना। बोलो राधे राधे। तो माता जी बैठ गई। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मुझसे तो ना होगा महाराज। बोले मेरे बस की कोनी, मारवाड़ी माता जी थी। बोले मेरे बस की कोनी, मेरे बस का नहीं है, मुझे तो कोनी की हो जाए महाराज, मेरे से हो ही नहीं सकता है, मैं कर ही नहीं सकती ऐसे। घंटे दो घंटे के बोले महाराज खाने पीने की तो कम से कम छुट्टी दो। हमने कहा नहीं छुट्टी नहीं होगी, ऐसा भागवत में लिखा हुआ और संतों का वचन है, संतों का आदेश है, यदि ऐसा किया जाए तो ठाकुर की कृपा हो जाएगी। बोलो राधे राधे। तो ध्रुव जी द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, जाकर वृंदावन में नहाते हैं जमुना जी में, और नहा करके फिर मंत्र का जाप शुरू कर देते हैं। श्रीधाम वृंदावन में ध्रुव जी मंत्र का जाप करते हैं बैठकर। देखिए ध्रुव जी का जो सुंदर झांकी आप लोगों के सामने, ध्यान लगा करके ध्रुव जी बैठे भगवान का मंत्र जाप कर रहे हैं। और मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय।